भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन किसान नेता आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। किसान नेताओं ने अब सरकार के आगे अपनी नई मांगों की लिस्ट रख दी है। अपनी मांगों पर अड़े किसानों ने पीएम के नाम एक खुला खत लिखा है, जिसमें कहा गया MSP पर खरीद की गारंटी मिले, विद्युत अधिनियम संशोधन बिल पास हो, पराली जलाने पर सजा का प्रावधान हटाया जाए, आंदोलनकारियों पर 10 सभी मुकदमे वापस लिए जाएं, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त व गिरफ्तार किया जाए, मृतक आंदोलनकारियों के परिवारों को मुआवजा मिले। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, और इस योजना की झलक आज लखनऊ में देखने को मिल रही है। मतलब यह है कि जिन कृषि कानूनों के विरोध में देश के किसान पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, उन कानूनों को वापस लेने के बाद भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी की माफी सहित अपील भी किसानों को पिघला नहीं पाई है। अब किसानों ने अपनी मांगों के जरिए सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी। न्यूज़ लाइव डेस्क,